हाय एवरीवन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सीरीज में आज मैं फिर से एक डिस्टॉर्शन के बारे में बात करूंगी, डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। मैं आपको एक केस का एग्जांपल देकर भी इसे समझाऊंगी कि किस तरह से हमारा माइंड जब ये डिस्टॉर्शन करता है तो हमारे साथ क्या क्या होता है और हम इस डिस्टॉर्शन को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ के जरिए सोल्यूशन देती हूँ और मेरा मिशन है लोगों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, और आप इसमें मेरा साथ दे रहे हैं तो इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कर मेरा ऐसे ही साथ देते रहना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं सीबीटी मॉडल को, आप पहचानते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सीरीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि सीबीटी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचान कर आपके थिंकिंग पैटर्न को करेक्ट किया जाता है ताकि आप राइट इमोशंस को फील करें और आपका बिहेवियर भी करेक्ट हो। तो जैसा आप जानते ही हैं कि किसी भी सिचुएशन में जैसा हम सोचेंगे, चाहे वो ऑटोमेटिक थॉट आए या हम उस सिचुएशन में थॉट को क्रिएट करें, वैसे ही इमोशंस हम फील करने लग जाते हैं और हमारा बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली हो जाता है। अब मैं आज इसमें बात करने वाली हूँ डिसक्वालीफाइंग द पॉजिटिव के बारे में। ये भी एक सोचने का गलत तरीका होता है जिसमें इंसान डिसक्वालीफाई, आप जान ही रहे नाम से कि जो पॉजिटिव साइड होती है उसको इग्नोर कर देता है, उसे रिजेक्ट कर देता है, उसको डिस्काउंट कर देता है, डिसक्वालीफाई कर देता है। इसका मतलब क्या है? माइंड केवल नेगेटिव को पकड़ लेता है। तो इसमें क्या होता है, नोटिस करता है इंसान का जो दिमाग है वो मिस्टेक्स को, जो भी उसके अंदर कुछ गलत हुआ है उसको ही नोटिस करता है। इसमें फील करता है इन्फीरियर, क्योंकि उसको नेगेटिव दिखाई दे रहा होता है तो वो इन्फीरियर फीलिंग्स डेवलप कराता है। वो क्रिटिसाइज़ करता है खुद को भी, सिचुएशंस को भी, लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है। उसकी नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप ही चलती रहती है। अब मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की जिसकी एज 25 साल की है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ का नेगेटिव साइड देखती है, वो कभी पॉजिटिव साइड नहीं देखती अपनी लाइफ का। अब ये सब उसके अंदर ये जो थॉट पैटर्न है वो कैसे बना, ज़रा उसके 25 सालों पर नज़र मारते हैं। जब वो मेरे पास आई तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और उसको चेकिंग की ओसीडी हो गई थी। चेकिंग की ओसीडी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के साथ साथ वो हर समय डिप्रेस फील करती थी। तो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा था कि जो वो बस चाह रही थी कि मैं एक बार थेरेपिस्ट से मिलूं और सारी बातें उगल दूं, क्योंकि वो भी मेरी वीडियो से जुड़ी हुई थी और उसको पता था कि मैम मुझसे 25 सालों के बारे में पूरा पूछेंगी। तो मेरे पूछने से पहले ही उसने शुरुआत से ही कि मैं आपको बचपन से बताना चाहती हूँ, तो बताना शुरू किया। अब क्या हुआ, जब वो छोटी थी तो उसके घर में उसका भाई था, वो था। अब डेफिनेटली थोड़ा बहुत हर घर में इस तरीके का होता है कि जब एक लड़का और एक लड़की होते हैं तो कई बार कुछ चीज़ों में लड़कों को प्रायोरिटी दे दी जाती है। तो उसको वो बहुत बुरा लगता था, उसको इतना बुरा लगता था कि मेरे भाई को बहुत इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन वहीं पर उसको भी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, उसको भी पढ़ाया लिखाया गया, उसको भी सारी इच्छाएं उसकी पूरी गई, उसको भी पैम्पर करके रखा गया, लेकिन उसका दिमाग उसको नहीं देखता था। जो भी उसके पेरेंट्स उसके लिए अच्छा करते थे उसका दिमाग उसे डिसक्वालीफाई कर देता था, और कभी किसी इवेंट के लिए मना कर दिया तो फिर वहाँ पर क्या होता था कि उसका लगता था बहुत ज़्यादा बुरा, और वो उसी इवेंट को पकड़ लेती थी और उसको अपने पेरेंट्स में भी कमियाँ दिखाई देती थी। उसको लगता था कि मेरे पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं मेरे भाई में और मुझ में, वो मतलब नेगेटिव उसको पकड़ लेती थी। अगर कोई भी उसके लाइफ में ऐसा इवेंट आता था, चाहे वो उसके एग्ज़ाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस रही हो या फिर किसी कंपटीशन में पार्ट लिया हो, तो अगर जो भी कुछ अच्छा हो उसके साथ आज तक हुआ तो उसको उसका दिमाग ऐसे ही लेता था कि नहीं, अनइम्पॉर्टेंट टाइप, और जो चीज़ भी नेगेटिव हुई उसको वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती थी। जैसे अगर सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेड तरीके से मार्क्स नहीं आए तो उसका दिमाग उसी चीज़ पर अटक जाता था, वो नेगेटिव वाले वहाँ पर अटक जाती थी, तो वो जो पॉजिटिव साइड था उसको नहीं देख पाती थी। तो इस तरह से शुरुआत से ही उसके लाइफ में ये सब चलता रहा। अब जब वो बड़ी हुई तो उसका कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड बना। अब उसका बॉयफ्रेंड जब भी उसके लिए कुछ अच्छा करता था, मतलब उसका ख्याल रखता था, उसे अच्छे से ट्रीट करता था, वो सब उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था, उसकी कुछ खास वैल्यू नहीं करती थी, और जब भी कुछ भी बात हो जाती थी, छोटी सी भी लड़ाई, तो उस पर उसका दिमाग अटक जाता था और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नेगेटिवली देखकर
क्रिटिसाइज़ करती थी, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी और अपने आप को भी इन्फीरियर ऐसा एकदम से फील करने लग जाती थी। उसको ये लगता था कि बस मेरी लाइफ में तो कोई भी नहीं है जो मुझे प्यार करता है, कोई भी नहीं है जो मुझे समझता है, मेरे साथ तो शुरुआत से ऐसा हुआ है, मेरे तो माँ बाप भी ऐसे ही करते थे, अब ये भी मेरे साथ ऐसे ही कर रहा है। तो वो अपने आप को इन्फीरियर लगता है, मुझ में ही कोई कमी है, लगता है कि मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, इस तरीके के उसके थॉट पैटर्न चल जाते थे और वो यही सब सोचते सोचते नेगेटिव सेल्फ टॉक में लगी रहती थी, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। और यही सब रिपीटेशन से उसने अपने कोर बिलीव्स बना लिए कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे इंपॉर्टेंट मानता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे वैल्यू करता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्यार करता हो। और वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहती थी और इन सब की वजह से उसको जो चेकिंग की वो है वो लग गई आदत। अब वो चेकिंग की आदत कैसे लगी उसका भी मैंने उसके अंदर से पैटर्न तलाशा। जब वो स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स को लेकर इस तरीके से सोचती थी कि उसके भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसको कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वो वहाँ पर बार बार चेक करती थी इसके लिए क्या कर रहे हैं, मेरे लिए क्या किया है। मतलब वो हर चीज़ में डबल ट्रिपल टाइम हर चीज़ में चेक करना, चाहे वो बार बार रिएश्योरेंस लेकर हो अपने पेरेंट्स से बात कर या कोई भी काम करती थी, उसके अंदर एक ये था कि मैं सब काम बहुत अच्छी तरीके से करूं ताकि मेरे जो एफर्ट्स हैं वो नोटिस में आए और मुझे वो प्यार और मुझे वो फ्रीडम ज़्यादा मिले। तो उसके अंदर एक वो कॉम्पिटिटिव वाली जो स्प्रिट थी, जो वो कंपैरिजन कर रही थी, उस सब की वजह से उसका दिमाग क्या है, वो नेगेटिव वाला जो साइड था वो बहुत ज़्यादा पकड़ने लगा, बड़ा चढ़ा रहा था, और जो पॉजिटिव वाला साइड था वो नहीं देखता था। वो हर मामले में बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की वजह से हर चीज़ को चेक करना हो, अपना कोई भी काम करती थी तो उसको एक बार तो कोई भी चेक कर लेता है, लेकिन वो चार बार पाँच बार उसको चेक करना कि कहीं भी गलती से कोई उसमें कमी ना निकाल दे, और ताकि जो है ना उसको जो अंदर इन्फीरियर फीलिंग्स थी उसको अपने आप को सुपीरियर फील कराना था, इंपॉर्टेंट फील कराना था, इस वजह से उसको एक बार बार चेकिंग की आदत पड़ गई। अब ये धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ती जा रही थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, हर समय डिप्रेस सा फील करना, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही थी। तो उसने जब मेरे पास आई और सब अपने पूरे 25 सालों के बारे में बताया तो सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स बताए, इस तरह से जितने भी नेगेटिव इवेंट्स उसके साथ हुए थे। तो उसके अंदर इन्फीरियर फीलिंग्स भी मिली, वो अपनी गलतियों को जो भी था उसको नोटिस करना, दूसरों की गलतियों को नोटिस करना बहुत ज़्यादा उसके अंदर पैटर्न था, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने का एक्सेसिवली पैटर्न मिला, और उसकी हर समय की जो सेल्फ टॉक थी वो नेगेटिव ही चलती रहती थी सबको लेकर। अब उसका दिमाग डिसक्वालीफाइंग द पॉजिटिव कर रहा था, उसके जो ऑपोजिट जो उसके साथ पॉजिटिव इवेंट्स हुए थे लाइफ में इन 25 सालों में, जो भी उसके कुछ अचीवमेंट्स थे, जो भी उसके पेरेंट्स ने उसके लिए किया, जो भी उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए किया, उस पर उसका कोई भी फोकस नहीं था। तो इस एरर में क्या होता है, एक पर्सन जो डिस्क्वालीफाई द पॉजिटिव कर देता है वो क्या करता है, केवल फोकस करता है नेगेटिव साइड पर। तो अब इस डिस्टॉर्शन से अगर आपको बचना है तो क्या है, आपको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा और जो डिस्क्वालीफाई कर दिया आपने पॉजिटिव साइड को उसको नोटिस करना पड़ेगा। अब ये आदत उसकी शुरुआत से इस तरीके से सोचने की बनी, अब उसने कभी अपने थिंकिंग पैटर्न को करेक्ट नहीं किया, नोटिस नहीं किया इस चीज़ पे, मतलब उसके थॉट प्रोसेस पे काम नहीं हुआ, तो धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई है। अब जब ये धीरे धीरे उसको आदत पड़ गई तो वो हर चीज़ में ही ऐसा करने लग गई है। तो इस आदत को बदलने के लिए, इस जो ऑटोमेटिक पैटर्न बन गया है इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी, हमें अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड, हमें जो इवेंट है जिसको हम केवल नेगेटिवली देख रहे हैं उसकी पॉजिटिव साइड को भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब हम एक साइड को देखकर बायस होकर पूरा का पूरा एक डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि खराब है। अब ज़रा सोचिए कि एक अदालत है, कोर्ट है, उसमें एक सस्पेक्ट है, केवल वो सबूत देखे जाएं जो उसको गुनाहगार साबित कर रहे हैं, वो ना देखे जाएं जो उसको बेगुनाह साबित कर रहे हैं, और उसको फैसला सुना दिया जाए तो उसके साथ गलत नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों तरफ देखना है। हाँ, अगर वाकई ही वो गलती पर है तो डेफिनेटली उसके लिए प्रॉपर एक्शन लिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस पर कुछ गलत इल्ज़ाम हो, उसका एक जो पॉजिटिव साइड है वो भी देखना चाहिए। तो सही जो जजमेंट होगा वो कब होगा, जब आप दोनों साइड को देखोगे। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को अगर केवल नेगेटिव साइड से देख रहे हो, केवल आपने नेगेटिविटी का चश्मा अपने आंखों पर लगा लिया है, तो आपको तो हर चीज़ ही नेगेटिव लगेगी, खराब खराब लगेगी, और फिर आपके अंदर मल्टीपल डिस्टॉर्शंस हो जाएंगे, आप ओवर जनरलाइज भी इसको करने लगोगे, आपका कैटास्ट्रोफिक पैटर्न भी हो जाएगा। इस तरह से एक पर्सन की थिंकिंग में मल्टीपल डिस्टॉर्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन मैं अपनी सीरीज़ में आपको इंडिविजुअल डिस्टॉर्शन, जो क्योंकि मैंने इतने तमाम केसेस देखे हैं तो लोगों में मल्टीपल डिस्टॉर्शंस होते हैं, लेकिन एक जो मेजर डिस्टॉर्शन जो उन्हें बहुत कंट्रोल करता है वो जो डिस्टॉर्शन है, मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में जो 20 वीडियोज़ में बना रही हूँ, और इसका ये जो थर्ड वीडियो है इसमें मैं
केवल वो जो डोमिनेंट वाला है उसको लेकर आपको समझाना चाह रही हूँ, ताकि आपको डीप में समझ में आ जाए कि वो डिस्टॉर्शन जब हमारे साथ होता है तो क्या होता है। तो अब वो सारा डिस्क्वालिफाई कर देती थी, तो वो केवल नेगेटिव ही पकड़ती थी, मतलब उसको जहाँ पर भी दिखाई दे रहा था, लोगों में, सिचुएशंस में, अपनी लाइफ में, खुद में कमियाँ दिख रही थी। तो इसका आप सोल्यूशन क्या है? अब एकदम से एक बार करने से नहीं होगा, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पेशेंस रखें। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ का जो भी कुछ पॉजिटिव हुआ है उसकी एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इवेंट्स, लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स, लिस्ट ऑफ जो भी आपकी लाइफ में गुडनेस है, जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल हैं, उसके लिए आपको पूरा लिस्ट बनाना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी लाइफ का एक पॉजिटिव साइड ये भी है। जब आपकी लाइफ का ये पॉजिटिव साइड आपके सामने आएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में जितना कुछ पॉजिटिव हुआ था, मैंने उस सब को डिस्क्वालिफाई कर दिया, मैंने उस पर नोटिस ही नहीं किया, मैंने उस पर फोकस ही नहीं किया, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में कमियां दिखाई दे रही थी, इसलिए मुझे इन्फीरियर फील हो रहा था, मैंने सिचुएशंस को, लोगों को कितना क्रिटिसाइज कर ये जो प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी कर ली है, ये मेरे उस एटीट्यूड की वजह से हुई है कि मैंने किसी सिचुएशन में पहले पॉजिटिव देखा नहीं, नेगेटिव देखा, तो मैंने नेगेटिवली ही बिहेव किया उस सिचुएशन में, तो नई सिचुएशन जो पैदा हुई वो फिर मेरे फेवर में नहीं हुई, वो वैसे ही अगेंस्ट हो गई। तो ये जो मैंने इकट्ठा किया है, ये मेरा सेल्फ क्रिएटेड है, ऐसा नहीं है कि किसी और ने मेरे लिए किया है या मेरी ज़िंदगी बेकार है, ये है कि मेरा रिस्पॉन्स, मेरा सोचने का तरीका ठीक नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो जब आप अपने लिस्ट ऑफ पॉजिटिविटी तैयार कर लेंगे, तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप अपनी पॉजिटिव साइड को डिस्क्वालीफाई कर लेते, इस वजह से आपको अपनी लाइफ बैलेंस नहीं दिखाई दे रही थी, आप बिल्कुल ही केवल नेगेटिव देख रहे थे। जब आपके सामने जो अदर साइड है, पॉजिटिव साइड भी आ जाएगी, तब दोनों साइड को देखकर आप डिसाइड कीजिए ना, तभी तो आपकी रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपके अंदर। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं, तो आपको हमेशा अपनी लाइफ दुख भरी दिखाई देगी, आपको दुखी दुख दिखाई देंगे, और जब एक इंसान को दुखी दुख दिखाई देंगे तो फिर उसके अंदर निराशा बहुत ज़्यादा पैदा होगी, तो डेफिनेटली आप डिप्रेस फील करेंगे, आपको इतना एंग्जाइटी होगी और आपको इस तरीके की OCD चेकिंग वाली या किसी और तरीके की भी लग सकती है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो अब उसके साथ जो हो रहा था ना, उसको नींद आ रही थी, हर समय नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती थी दिमाग में, सोते सोते भी वही चलता था, उसको सपने भी वैसे आते थे, फिजिकल सिम्टम्स जो एंग्जाइटी के वो भी फील करती थी, एक डर बना रहता था, एक उसको ऑब्सेशन ये हो गया था कि अगर मैंने इतनी बार इसको चेक नहीं किया तो फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे से कोई ना कोई गलती हो जाएगी। तो वो अपनी इमेज को खोने के डर से, और कुछ मेरी लाइफ में बुरा ना हो जाए, कोई मुझे क्रिटिसाइज़ ना कर दे, सब डर की वजह से वो फिजूल में अपनी लाइफ में वो सारे काम कर रही थी, जिससे कि उसकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब इस तरीके से बात किया गया उसकी एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के लिए, उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उसको अफर्मेशंस, उसको रिटन जो CBT की प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सब कुछ कराया गया, तो उसको समझ में आया कि लाइफ का जो एक ब्राइटर साइड था, जो पॉजिटिव साइड था, मैं उसको इग्नोर कर रही थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है जो वो कर रही थी, क्योंकि उसको कई महीने लगे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने में, क्योंकि माइंड ऐसा ही काम करता है, वो एकदम से रीप्रोग्राम नहीं होता है, आपको पुराने पैटर्न्स को छोड़ने में समय लगता है। दिमाग क्या है, वो अपना कचरा भी नहीं छोड़ना चाहता, आप सोचेंगे कि वो अपनी गलत आदतें छोड़ देगा आराम से, वो भी नहीं छोड़ना चाहता, उसको छोड़ने में भी उसे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि माइंड एक बार गलत आदत भी फॉर्म कर लेता है तो वो कंट्रोल करने लग जाता है। तो हमें इसके लिए जमकर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हर सिचुएशन में हमारे पास पावर है फ्रेश सोचने की, और जब आप हर सिचुएशन को डिस्प्यूट कर इस तरह से उसका पॉजिटिव साइड देखेंगे, उस पर फोकस करेंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे पॉजिटिविटी को, तब जाकर आपके अंदर वो चेंज आएगा। आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, अपने आप को एक होप देनी है, पॉजिटिव साइड देखनी है। बेशक आपकी लाइफ में एक सिचुएशन में 70% भी नेगेटिव है, तो आपको 30% पहले पॉजिटिव को देखना है, ताकि आपको एक होप बनी रहे। अदरवाइज जब आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे पॉजिटिविटी को, तो आपको क्या है, बिल्कुल होपलेसनेस हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा आप वर्थलेस हैं, आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस सब से जब एक पर्सन बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर देता है पॉजिटिविटी को, तो उसके अंदर क्या क्या डेवलप हो जाता है, हेल्पलेसनेस, उसके अंदर हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाती है, होपलेसनेस डेवलप हो जाती है, और वो अपने आप को वर्थलेस मानने लग जाता है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लिस्ट ऑफ पॉजिटिविटी बनानी है,
लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इवेंट्स. जब लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इवेंट्स बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इवेंट्स की लिस्ट आपके हाथ में आते ही और आपका माइंड एकदम से चेंज हो जाएगा. आपका माइंड अभी भी आपको कंट्रोल करेगा, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव बायस होता है. तो इस तरीके की जो थिंकिंग एरर्स हमारे साथ होती हैं, बड़ा कंट्रोलिंग होती हैं. सो आपको जब वो पॉजिटिविटी वाली लिस्ट बनाएंगे, जो पॉजिटिव इवेंट्स की लिस्ट थी आपके लाइफ में, तो उसको पूरा बारीकी देखेंगे से उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करेंगे. ग्रैटिट्यूड शो करेंगे और अंदर तक उस इमोशन को फील करेंगे. जब ग्रेटफुल होंगे उसके लिए, अंदर तक उस इमोशन को फील करेंगे और खुद से वादा करेंगे कि आप अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो नेगेटिविटी है उसको आज से आप डिसक्वालीफाई कर रहे हैं. और वो जो नेगेटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए, वो किस वजह से हुए, उससे लर्निंग लेकर आप उन सब को वहीं पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं. क्योंकि बाहर तारीखें बदल रही हैं, बाहर साल बदल रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है 10 साल पुराने उसमें इवेंट में जी रहे हो सकता है आप 20 साल पुराने इवेंट में जी रहे हो. तो आपको उन इवेंट्स को अपने अंदर से भी बंद करना होगा. तो जब आप एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे और डिस्क्वालीफाई कर देंगे जो नेगेटिव इवेंट्स हुए थे, मतलब उनको घटा देंगे वहाँ से, उनको रिजेक्ट कर देंगे, तब जाकर आपका माइंड ये जो पॉजिटिव इवेंट्स हुए इनको पकड़ेगा. और इसमें प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप पेशेंस इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा. तो आज इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में मैं आपको एक और डिस्टॉर्शन के बारे में बताऊंगी. आप ये सारा डिस्टॉर्शन की सीरीज़ देखकर अपने सेल्फ टॉक को, अपने इंटरनल डायलॉग्स को करेक्ट कर लीजिए. और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों की मदद कर रहा है और आप मेरे मिशन में मेरा साथ दे रहे हैं. इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. थैंक यू सो मच. आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं. ख्याल रखिएगा.